Hey guys, welcome back to Motorbuddy. मेरा नाम है शुभम। आज हमारे पास में जो प्रोडक्ट है ना वो हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। बड़ा प्रोडक्ट मतलब इंजन वाइज ये है मैवरिक 440 जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च की गई है। हम इस बाइक के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं और हम हैं आज गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पर क्या है, बहुत तेज हवा चल रही है, लोकेशन अच्छी थी, मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे शूट किया जाए, तो थोड़ा बहुत ऑडियो ऊपर नीचे होगी तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे इस बाइक के बारे में, तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। शुरुआत करते हैं प्राइस से। 1,99,000 रुपए से लेकर 2,24,000 तक इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया है। यानी इसमें तीन अलग अलग मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। तीन वेरिएंट के साथ में इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस है 2,24,000 रुपए और आज हमारे पास में वही प्रोडक्ट है तो हम बात करेंगे इसके बारे में। कलर की बात करें तो इसमें 5 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। जो बेस मॉडल है उसमें व्हाइट कलर मिलेगा आपको, जो मिड वेरिएंट है वहां पर रेड और ब्लू मिल जाएगा, जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है वहां पर ब्लैक कलर दो मिलेंगे, यानी एक मैट फिनिश में आ जाता है, ग्लॉसी कलर देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई कलर की बात। इंजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब डिटेल में हम करते हैं वॉक अराउंड। तो सबसे पहले आप इसके लुक को देखेंगे ना, जब आप इस बाइक को वीडियो में देखते हो या पास से देखोगे तो आपको शायद ये उतनी बड़ी बाइक फील ना कराए, लेकिन हाँ जब आप इस बाइक पे बैठते हो और इस बाइक को चलाते हो ना तब असली चीज़ आपको पता चलती है। तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल आप इस बाइक का लुक देखेंगे ना तो फ्रंट से काफ़ी हैवी है, साइड से भी हैवी है, लेकिन जो बैक का पोर्शन है ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे जो है वो 400 cc वाला पीछे से फील नहीं कराएगा, लेकिन आगे से और फ्रंट का जो यहाँ पर फ्यूल टैंक वगैरह है वो काफ़ी अच्छा और मस्कुलर यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कहीं कहीं रेट्रो चीज़ें देखने को मिलती हैं और कहीं कहीं यहाँ पर मॉडर्न चीज़ें भी दी गई हैं, रेट्रो इन टर्म ऑफ डिज़ाइन। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, आपको कैसा इसका डिज़ाइन लगता है आप मुझे ये चीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताना। बाकी है क्या कि यहाँ पर कम्प्लीट LED लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। चाहे आप फ्रंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो LED यहाँ पर दी गई हैं, जो जिससे क्या है ना कि ठीक ठाक रोशनी भी मिल जाती है। और वहीं यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, यानी कंप्लीट LED का सेटअप है। और आउटर पे यहाँ पर क्या है, क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है। और ये जो पोर्शन आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये आई थिंक यहाँ पर फाइबर का देखने को मिल जाता है। बाकी क्या है, ब्रॉड यहाँ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं 43 mm के। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी चाहती तो यहाँ पर USD फोर्क दे देती तो और अच्छा होता, हालांकि यहाँ पर क्या है ठीक ठाक चौड़ा यहाँ पर मोटा सस्पेंशन दिया गया है। और ये इंडिकेटर भी देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या अभी थोड़ा सा गंदा हो गया क्योंकि हम बाइक काफ़ी चला चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, हीरो की यहाँ बीच में बैजिंग मिल जाती है और काफ़ी हल्के से यहाँ पर ये इंडिकेटर दिए गए हैं, ऐसा लगता है कि अगर कोई झटके से करे तो टूट जाए, लेकिन क्या है देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये LED के साथ में आ जाते हैं। एक बार मैं इसको जला के भी दिखा देता हूँ कि कैसे जलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये इंडिकेटर आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये यहाँ पर आप देख रहे हो ना, अक्सर आप क्या है प्रोडक्ट में देखते होंगे कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पूरा मेटल का आ जाता है। और साथ में क्या है, डुअल चैनल ABS के साथ में इस बाइक को लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट में। बड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्ले दी गई है और क्या है 110/70 सेक्शन का टायर मिल जाता है, 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं और मशीन कट डायमंड कट एलॉय व्हील यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपको मिड और बेस मॉडल में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। अब हम साइड में आते हैं और साइड में भी आप यहाँ पर देखेंगे ना, जो इंडियन लोग ढूंढा करते हैं ना किक, भैया किक नहीं दी गई है। बाकी क्या है कि ये पोर्शन ये यहाँ पर फाइबर है, बाकी ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर मेटल की दी गई हैं। इंजन यहाँ पर क्या है, जो हाली वाला इंजन है वही यहाँ पर देखने को मिलता है और जो चैसी है वही पूरी डिज़ाइन की गई है, जिससे क्या है ना कि अगर आप लॉन्ग राइड करते हो कहीं दिक्कत नहीं होगी और सिटी में भी आप चलाते हो तो दिक्कत होने वाली नहीं है। चले इंजन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 440 cc का इंजन दिया गया है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 27 bhp और
36 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में ये बाइक यहाँ पर आ जाती है। तो ऐसा क्या है, ये यहाँ पर क्या इंजन वगैरह ये पूरा ओपन रखा गया है, मतलब पूरा आप देख सकते हैं, बाकी ये पूरा एरिया यहाँ पर कवर रखा गया है। और क्या है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं तो 7 स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉकर मिल जाते हैं, यहाँ पर ट्विन शॉक आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पर क्या है बाइक को थोड़ा सा स्पोर्टी डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर क्या है ठीक ठाक गैप भी देखने को मिल जाता है। बाकी रियर पे 240 mm के आसपास यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है, और बाकी जो मैंने आपको बताया कि डुअल चैनल ABS के साथ में आ जाती है। रियर टायर ठीक ठाक चौड़ा मिल जाता है, यहाँ पर क्या है कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, मतलब एक टायर यहाँ पर रेडियल यूज़ किया गया है। बाकी क्या है कि ये देख रहे हैं आप, रियर से काफ़ी ब्रॉड टायर हो जाता है। और अगर मैं टायर साइज़ के बारे में बात करूँ तो 150x60 सेक्शन का मिल जाता है, R17 आ जाता है। अच्छा, जो रियर टेल लैम्प है ना, मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आई। यहाँ पर क्या है ना, वो आजकल हीरो अपना एक थीम लेके चलता है, या हम ये कह लें जिस तरह से हीरो की बाइक्स होती हैं लोगों होता है, वैसा कुछ देने की कोशिश की गई है। ये आप देख रहे हैं ये हार्ड प्लास्टिक यहाँ मटेरियल यूज़ किया गया है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो अंदर लोहे का एक पाइप आया हुआ है, जिससे क्या है कि ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो टेल लैम्प है और जो ग्रैबरेल है वो दोनों ही आपको ऐसा लगेगा आपको एक्सपल्स की कहीं ना कहीं याद दिलाएगा, और ये जो रियर फेंडर है वो भी सब कुछ आपको याद दिलाएगा। यहाँ पर क्या है साइलेंसर आप देख रहे हैं, साइलेंसर मुझे जो एग्जॉस्ट है वो अच्छा लगा। अब यहाँ पर मैं आपको नोट भी करा देता हूँ कि कैसा इसका एग्जॉस्ट साउंड आता है। तो ये जो साउंड आप सुन रहे हो तो ये तो हो जाता है आपका जब बाइक खड़ी हुई है। थोड़ा सा मैं इसको रेव करता हूँ, कैसा लगा आपको साउंड ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना। बाकी सीट आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, और यहाँ पर क्या है ये डुअल टोन में आ जाता है, यहाँ पर कॉफ़ी ब्राउन कलर और ये यहाँ पर ब्लैक कलर दिया गया है। और क्या है कि जितना मैंने बाइक को राइड किया है वहाँ पर क्या है कि कहीं भी मुझे थकावट महसूस नहीं हुई। लगभग में 170 किलोमीटर के आसपास में मैं बाइक को चला चुका हूँ, और यहाँ पर क्या है सीट की कुशन क्वालिटी भी ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेगी और ना ही बहुत हार्ड है। और पीलियन के लिए भी यहाँ पर फ्लैट सीट रखी गई है, मतलब यह है कि इसको स्पोर्टी बनाने की कोशिश नहीं की गई है सीट के साथ में। पर मोबाइल चार्जिंग के लिए भी दिया गया है, आप USB केबल लगाकर मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। बाकी क्या है आप एसेसरीज वगैरह लगाओगे तो ये वहाँ पर क्या है मोबाइल रख सकते हो। तो ये चीज़ है, राउंड शेप में यहाँ पर आपको इसके साइड मिरर मिल जाते हैं, ब्लैक कलर में है। और ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि इतनी जगह क्यों छोड़ दी यहाँ पर सिर्फ हीरो के लोगों के लिए, वो भी हीरो का लोगो एकदम साइड में है, और या तो इसको सेंटर में दे देते तो शायद कुछ ज़्यादा खूबसूरत लगता। साथ में है क्या यहाँ पर इंडिकेटर की ये बटन दी गई है, ये हॉर्न का स्विच है, आगे पास का है, इधर यहाँ पर हजार्ड का भी मिल जाता है, और ये यहाँ पर आपको बटन दिया गया है सेल्फ स्टार्ट के लिए, और ये SOS का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या है eSIM enabled कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाती है टॉप मॉडल में, जिससे क्या है ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर मैं मीटर कंसोल के बारे में बात करूँ तो ये छोटा सा डिज़ाइन किया गया है, लेकिन क्या है कि मुझे जब मैं बाइक को आप देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा सिर्फ यही स्क्रीन है, लेकिन ये जो आप आउटर पे देख रहे हो जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे तो यहाँ पर ये भी वर्किंग करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा लेआउट मिल जाता है, फॉन्ट काफ़ी विजिबल हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर है, ट्रिप ए ट्रिप बी का मिल जाता है, टाइम का है, इधर ये RPM का मिल जाता है, बाकी ये तो बेसिक चीज़ें हैं, न्यूट्रल की लाइट है, इंजन मेल फंक्शन का है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी बाइक खड़ी तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है एवरेज कितना देती है, कितनी रेंज बची हुई है, मतलब इस जो फ्यूल है इसमें कितने किलोमीटर तक जाएगी, ऑडोमीटर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बाकी क्या है कॉल आएगा, मोबाइल आप कनेक्ट कर लेंगे हीरो मोटोकॉर्प का जो अपना ऐप है उससे, तो यहाँ पर आपको शो करेगा, और कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वो भी यहाँ पर शो होती रहेगी।
तो फिलहाल ये बेसिक सा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो इन्होंने ई सिम एनेबल्ड जो कनेक्टिविटी का जो फीचर दिया है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सो गाइस, अगर मैं वेट की बात करूँ तो 187 केजी वेट हो जाता है, जो कि ठीक ठाक हम यहाँ पर वेट कह सकते हैं। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 175 mm का यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल आप देखोगे बाइक यहाँ पर क्या है, फ्रंट का पोर्शन आप आधे पोर्शन से देखोगे तो बाइक काफ़ी बड़ी नज़र आती, पीछे का देखोगे थोड़ा सा आपको लगता है कि छोटी सी कॉम्पैक्ट बनाई गई है। लेकिन क्या है, जब आप बाइक को चलाते हो तब आप फील करते हो कि हाँ भैया ये 400 सीसी की बाइक है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए मैवरिक, और इसका हमने एक कंपैरिजन वीडियो किया है, सभी वेरिएंट का कंपैरिजन किया है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। साथ में क्या है, माइलेज टेस्ट आपको अलग देखने को मिलेगा और राइडिंग रिव्यू भी आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाकी आप मुझे ये बताइए कि ये बाइक आपको कैसी लगी, और हीरो मोटोकॉर्प ना अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ लॉन्च कर ही रहा है, और आप कंपनी का फोकस जो है ना वो प्रीमियम सेगमेंट पे ज़्यादा है, और आने वाले टाइम पे और भी बाइक्स देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल आप मैवरिक के बारे में क्या विचार कर रहे हैं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मोटर बंडी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।